हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रेनू आप सबके सामने लाई हूँ फिर से एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है क्यों चुप है आपके पार्टनर। आप जिनके साथ रिलेशनशिप में, जी दोस्तों, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में आपके वो पार्टनर इतना शांत क्यों है, आपको कोई आंसर कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। क्या ऐसी चीज़ें जो आपसे छिपा रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन आप फिर भी नहीं जान पा रहे। तो ये जो वीडियो होगी ये उसके बारे में होगी, उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा मैं इसे कर दूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ओके, पहले तो देखते हैं हम उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या ऐसी चीज़ें जो आपसे छिपा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले ही आ गया, आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। देखो ये मैसेज आया, दैट मीन इससे ये तो क्लियर हो गया कि आपके पार्टनर आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो गाइस आपको वरी होने के लिए बिल्कुल भी नीड नहीं है कि वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, आपको भूल तो नहीं गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड है, यू ऑलवेज ट्राई टू टुक एडवांटेज ऑफ माई ट्रू लव, आई स्टिल मिसिंग यू। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनके साथ प्रॉपरली, उनके अगर जैसे वो आपकी गलती को माफ़ कर देते हैं, आप एडवांटेज लेते हो, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। अगर वो आपको इतना प्यार करते केयर करते हैं तो आप शायद उसे ओवर पजेसिव चीज़ें सोच लेते हो या फिर उनको आप समझ नहीं पाते हो। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसी वजह से शायद आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन हुए हैं। जब आप उनके प्यार का एडवांटेज लेने लग जाते हो, उनकी चीज़ों का समझना छोड़ देते हो, तभी आपके पार्टनर ने आपसे दूर होने के बारे में ये सारी चीज़ें डिसाइड की है। इसी वजह से आप दोनों बात नहीं कर पा रहे और इसी वजह से शायद वो एक्शन नहीं ले पा रहे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आपके पार्टनर क्या है, देखिए कार्ड भी जस्ट नीचे आया है, आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज, दैट मीन आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं। फिर सेकेंड मैसेज है उनका कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इसी वजह से अभी वो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। पहले वो आपकी तरफ से, आई थिंक आपकी तरफ से उन्हें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो अभी साइलेंट बैठे हैं। वो जो चुप बैठने का कारण है ना, आपकी तरफ से प्रॉपरली कम्युनिकेशन ना मिलना है। देखो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप, वो आप की तरफ से एक तो थोड़ा चाहते हैं सपोर्ट, देन वो चाहते हैं, देखो ये जो टाइम है फाइट करने का नहीं है। अगर लड़ोगे झगड़ोगे तो रिलेशनशिप आपको समझ में नहीं आएगा, ये टाइम आपको फाइट करने का नहीं है। आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, आप अगर आपकी तरफ से कंफर्मेशन आपके पार्टनर को मिल जाती है तो ही विल डेफिनेटली सपोर्ट सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अभी आपकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन अगर आपकी तरफ से उन्हें कंफर्मेशन मिल जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि भाई एक्शन नहीं ले रहा है, चुपचाप बैठा है, तो वो चुपचाप इसलिए बैठे हैं गाइस आपके पार्टनर क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें कोई सीरियस चीज़ नहीं देख रही है। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से कोई सीरियस चीज़ उन्हें शो करते हैं कि यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, सो डेफिनेटली ही विल टेक एक्शन, ही विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज योर पार्टनर लव्स यू, ही डजंट वॉन्ट टू हर्ट्स यू, सो दैट्स वाई। तो मैं यही बोलूंगी आपको सीरियस होना चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए। और देख लेते हैं आपके पार्टनर क्यों चुप हैं। ओके, आप दोनों के बीच रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, देयर इज अ चांस यू आर डिफरेंट कास्ट, यू बिलोंग्स टू डिफरेंट कास्ट एंड योर पार्टनर बिलोंग्स टू ऑलवेज, आप और आपके पार्टनर डिफरेंट कास्ट से बिलोंग कर सकते हैं, रिलीजियस फैक्टर यहाँ मुझे देख रहा है। वेरी सुन, देखिए आपके तरफ से आपके पार्टनर को कंफर्मेशन नहीं है, सो क्या हो रहा है, जब आपकी तरफ से उन्हें कंफर्मेशन मिल जाएगा तो वो बहुत जल्दी आपकी तरफ दौड़ चले आएंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए। ठीक है, सो आप डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू नो, आप व्हाट यू वांट टू डू फॉर योर रिलेशनशिप, आप इस रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना चाहते हो। देखो मेन ये क्या है, अगर दो बंदे रिलेशनशिप में, अगर दो पर्सन रिलेशनशिप में उनको कंफर्मेशन मिल जाती है चीज़ों को लेके, तो चीज़ों को आगे बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। नेक्स्ट देखते हैं, मेक द एफर्ट्स। देखिए
आप उनसे प्यार करते हो, ओके आई अंडरस्टैंड, आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन आपको भी एक्शन लेना होगा, एफर्ट्स थोड़ा अपनी तरफ से आपको शो करना होगा जब भी चीजें आपकी वर्क करेंगे, ओके। फाइनेंस करियर, दैट मीन आप समझ गए होंगे ऑलरेडी, आपके पर्सन शायद अपने फाइनेंस भी एक इश्यू हो सकता है, अपने फाइनेंस पे भी वो वर्क कर रहे हो, सो उन्हें सपोर्ट करो, ठीक है। आप दोनों सोलमेट हैं, ये तो देखो यूनिवर्स ने, माता ने कंफर्मेशन आपको दे दिया है कि आप दोनों सोलमेट हो, और आपको तो अब ना थोड़ा कहते हैं कंफ्यूज होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है, और अपने पार्टनर की चीज़ों को ना ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करो। अगर वो कुछ बात बोलते हैं, कोई चीज़ आपसे के साथ शेयर करते हैं, समझते हैं, तो उसको ओपन माइंड के साथ आपको एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब देखते हैं कब तक चीज़ें वर्क करेंगी, और आपके लिए टाइम फ्रेम्स देख लेते हैं, लेट्स सी ये अभी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर बहुत जल्दी एक्शन ले, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि वो अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे जुलाई का मंथ दिखाई दिया है, जुलाई के मंथ में बहुत से लोग हैं जिनके एंगेजमेंट हो सकता है, नेक्स्ट ईयर जुलाई की बात कर रहे हो, ठीक है, और या फिर शादी उनका हो सकता है। और देखते हैं लास्ट, इन द नियरेस्ट फ्यूचर आपके जो भी विश है, जो भी आपने यूनिवर्स से डिमांड किया है, वो आने वाले नियरेस्ट फ्यूचर में आपकी विश फुलफिल होगी। तो गाइस ये था रीजन आपके पार्टनर चुप क्यों है, क्योंकि वो आपके जैसे कंफर्मेशन नहीं है, वो चाहते हैं आप भी एफर्ट्स करो। एफर्ट्स कैसे करोगे, थोड़ा कंफर्मेशन दो, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालो, मिलके बैठ के बातें करो, यही चीज है जो आपके रिलेशनशिप को आगे ले जा सकती है, ओके। सो गाइस ये थी आपके लिए छोटी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट मुझे जरूर बताइए। जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।